Hey guys, welcome back to my channel. ये जिंदा है? हाँ भाई मैं जिंदा हूँ। आईपीएल के बाद यार इतना ब्रेक तो बनता था, पर कोई टेंशन वाली बात नहीं है, इस वीडियो में आग लगा देंगे। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया और साउथ अफ्रीका के पहले T20I मैच के बारे में। और ये साउथ अफ्रीका वाले फिर आ गए, अभी तो पुराने सदमे से बाहर भी नहीं आए थे भाई, और ये फिर हराने आ गए। बवुमा भाई साहब, साउथ अफ्रीका कैप्टन, ये तो हाथ धो के पीछे पड़ गया भाई हमारे। केएल राहुल ने साउथ अफ्रीका में गलती से बोल दिया था 11 वर्सेस होल कंट्री, ये तो मारने के लिए यार 700 समुंदर पार तक आ गए। 6 मैच खेले हैं साउथ अफ्रीका से इस साल इंडिया ने और 6 के 6 मैच हारे। साला साउथ अफ्रीका की टीम है या फिर 2000 की ऑस्ट्रेलिया टीम। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे कल जीतेंगे परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। एक तो भाई इंडिया की सीरीज शुरू होती नहीं है और प्लेयर्स पहले इंजर्ड होना शुरू हो जाते हैं, और इस बार तो हमारे कैप्टन राहुल ही इंजर्ड हो गए। पर जब भी कोई प्लेयर इंजर्ड होता है तो लोग मैसेज करते हैं गेट वेल सून, स्पीडी रिकवरी, और पंत भाई ये कैसा मैसेज था और ऊपर से ऐसा इमोजी। मैच शुरू हुआ और पहले ही ओवर में बॉल ऐसे टर्न हो रही थी भाई जैसे T20 मैच नहीं टेस्ट मैच का Day 5 चल रहा हो, और दूसरे ही ओवर में ऐसे स्विंग हो रही थी बॉल जैसे भाई मैच इंडिया में नहीं साउथ अफ्रीका में हो रहा हो। प्लेयर्स छोड़ो भाई, देखने वाले का सर चकरा जाए। मैच एकदम बैलेंस में था, लेकिन फिर बवुमा ने स्पिनर्स को बॉलिंग दे दी, और उसके बाद ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने जो धोया है ना भाई, समझ ही नहीं आ रहा था बॉलर्स हैं या फिर ढोल, ऐसे कौन बजाता है भाई। और केशव महाराज को ईशान किशन ने जो मारा है ना भाई, अगली बार अपने सिंहासन पे बैठने से पहले 100 बार सोचेगा। पर कुछ भी बोलो भाई, स्पिनर्स को ऐसे पिटते हुए देख कर ना खुशी के आंसू आ गए, इतनी खुशी। ये एक परफेक्ट मैच था इंडियन फैंस के लिए बैटिंग के हिसाब से, अच्छी ओपनिंग पार्टनरशिप, स्पिनर्स की कुटाई और लास्ट में हार्दिक भाई की फिनिश। और ये सपना हम इंजॉय कर रहे थे इतने में साउथ अफ्रीका के बैट्समैन ने जो चौटे मार मार के हमारी नींद उड़ाई है ना भाई, 212 का टारगेट सालो ने ऐसा चेस कर दिया जैसे 112 का हो। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जब साउथ अफ्रीका के बॉलर्स मार खा रहे थे तो बड़ी हंसी आ रही थी, ये साउथ अफ्रीका के बॉलर्स हैं या फिर जिम्बाब्वे के, लेकिन फिर हमने अपनी बॉलिंग देखी जो बिल्कुल देखने लायक नहीं थी, खून के आंसू आ गए भाई। हर बॉल चिल्ला चिल्ला के कह रही थी मुझे छक्का मारो। ये तो टट्टी है, थैंक यू भाई। ये मिलर और वैंडर डूसे बैटिंग कर रहे थे या फिर मिलर और राहुल तेवतिया, ऐसे कौन मारता है भाई, किसी बॉलर के साथ भेदभाव नहीं करा, हर बॉलर को इक्वालिटी से मारा। और सबसे पहले तो मिलर भाई को बताओ, दिल्ली में मैच था इसका मतलब ये नहीं आईपीएल अभी भी चल रहा है, आईपीएल खत्म हो गया है, आप चैंपियन बन गए हो, अब तो अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ जाओ। इस मैच में इंडिया की पहली बार कैप्टनसी कर रहे थे ऋषभ पंत, वो काफी खुश थे, लेकिन उनसे भी ज्यादा अगर कोई खुश था तो वो था श्रेयस अय्यर। पहले तो बैटिंग में थोड़ा सा लेकिन फिर फील्डिंग में सारी कसर पूरी कर दी वैंडर डूसन की कैच छोड़कर। वेल डन समीर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू, मेरी आंखों में तो देख मेरे भाई। हार्दिक भाई आप आईपीएल ट्रॉफी जीते जानता हूँ, आप अच्छी फॉर्म में भी हो वो भी जानता हूँ, लेकिन दिनेश कार्तिक का ऐसा अपमान ये नहीं करना चाहिए था आपको। आईपीएल सुपर स्ट्राइकर अवार्ड जीतने का क्या फायदा जब स्ट्राइक ही ना मिले। माफ कीजिएगा ये ठीक नहीं हो रहा, आप गलत कर रहे। तो बस यार इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।